क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क का आएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो वॉन्ट्स क्या होता है उसका मीनिंग तुम लोग जरूर लिखना, जो कि इधर दिया है वॉन्ट्स, कि वॉन्ट रेफर्स टू एज अ नीड या लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। पर तुमको एक चीज याद रखना है, इकोनॉमिक्स में बहुत लोग नीड और वॉन्ट्स को सेम तौर पर ट्रीट करते हैं, बट यदि बारीक फर्क कहा जाए तो नीड है रोटी, वांट है बर्गर, नीड है कपड़ा बट वांट है जीन्स, ठीक है ना। उसमें भी एक और शब्द आता है डिजायर, डिजायर है मर्सिडीज, इच्छा है पर पैसे नहीं है। सो नीड, वांट, डिजायर, उसमें एक और आता है डिमांड, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे, विल कीप इट सिंपल एट दिस पॉइंट। समझ में आया? सो वॉन्ट एक प्रकार का लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब तुमको अंदर से कुछ चीज की इच्छा है। iPhone 14 लॉन्च होएगा सितंबर में, तो एक प्रकार का अंदर वॉन्ट होगा कि मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स हम एक एक करके देखते हैं। पहला इकोनॉमिक वॉन्ट और दूसरा नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। इकोनॉमिक वॉन्ट वो वॉन्ट है जिसमें तुमको कीमत चुकाना होगा, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल, इफ तुमको बर्गर चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर इट, इफ तुमको मोबाइल चाहिए या रिचार्ज करना है या गाड़ी चाहिए, हर चीज की कीमत होती है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। सो इकोनॉमिक वॉन्ट्स वो वॉन्ट्स है फॉर विच यू हैव टू पे अ प्राइस, ठीक है, कीमत चुकानी है, फूड, मेडिसिन या एनीथिंग जो फ्री में नहीं। नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या है, जहां पे यू डोंट हैव टू पे द प्राइस, वो फ्रीली और नेचुरली और अबंडेंटली अवेलेबल है। मैंने एग्जाम्पल रेन वाटर का दिया था। इफ यू गो टू योर टेरेस और बारिश जोर से आ रही है, बकेट भरा तो बकेट भर जाएगा, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट कुछ गांव में या कलकत्ता साइड कुछ ऐसे जगह पे है जहां पे म्युनिसिपैलिटी पानी पहुंचता नहीं है, सो वहां पे बाकायदा वो हर रोज आके बाल्टी तुमको दे के जाएगा पानी का, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट बकेट ऑफ वाटर। अभी भी 100% देश में पानी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है धीरे धीरे। सो कुछ जगह पे एक बाल्टी पानी का कीमत भी चुकाना पड़ता है। आया समझ में? सो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट, अच्छा, जो तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा बाल्टी पानी का, वो इकोनॉमिक वॉन्ट होगा। जो नेचुरली फ्रीली अवेलेबल है, सनशाइन, रेन वाटर या विंड, फॉर विच यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वो तुम्हारा नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट है। अब तुम्हारे मन में आएगा क्या वो वॉन्ट है? द आंसर इज यस, तुम्हारा वॉन्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। जो पानी है, इट्स आर नीड, दिन में 7 से 8 ग्लास पानी लगता ही है, ठीक है ना। बिना फूड तुम 8 10 दिन 15 दिन जेल भी जाओ, बट बिना पानी के 4 5 दिन के ऊपर जेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये पहला था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट। दूसरा इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। ये तो वर्ड से तुमको समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअल वांट क्या है? सपोजिटली एक जन का वांट को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल वांट। और सबका ग्रुप में जो वांट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव वांट। नाउ जैसे कि एक ट्रेन, नॉर्मली एक ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं दिन में? मोर देन अ क्रोर ऑफ पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन एवरी डे, ठीक है। सो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कलेक्टिव वांट। अच्छा, मुंबई टू गोवा में विस्टाडोम सुना है? विस्टाडोम मतलब जो खिड़कियां है ना वो पूरा कांच का है, जो जो रास्ते में जो नजारे हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, इसलिए तुम्हारे जो सीट्स है इट विल चेंज टुवर्ड्स द विंडोज, और तुम बाहर अच्छे तरीके से देख पाओगे जो सुंदरता है। मुंबई टू गोवा में ऐसे विस्टाडोम एक्सप्रेसेस प्लान्ड है। सो ये लोगों के रिक्वेस्ट और उसके हिसाब से तुम रत्नागिरी कोकण साइड जाओगे, वहां पे इतना सुंदर एटमॉस्फेयर केरला साइड होता है, वहां पे तो विस्टाडोम में तो लोग एक्स्ट्रा पे करे फॉर टू सी द नेचर, क्योंकि तुम्हारा जो सीट रहता है वो सामने साइड रहता है, खिड़की के साइड नहीं रहता है। विस्टाडोम में वो खिड़की के साइड चला जाता है। ये सब नए नए टेक्नोलॉजीज आए, ठीक है। तो इंडिविजुअल वॉन्ट, जैसे डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, या कोई भी तुम्हारा इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हो वो तुम्हारा इंडिविजुअल बॉन्ड। तीसरा, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लक्जरीज। नेसेसिटीज क्या है? जो तुम्हारा बेसिक नीड ऑफ लाइफ, वो क्या क्या है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये तुम्हारा बेसिक नीड्स है टू सर्वाइव। उसमें तुम
फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ एजुकेशन, बट इन्होंने एक चीज तो बोला ही नहीं, रिचार्ज और वाईफाई, ये तो आज के जमाने में सबसे टॉप पे आ गया है भाई। सो ये तुम्हारा नेसेसिटी है। नेक्स्ट कंफर्ट, सी नेसेसरीज में तुम अपना लाइफ जियोगे, लेकिन जो कंफर्ट का, कल ही मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा, ये जो एलेक्सा के डिवाइसेस आते हैं ना, एलेक्सा सेट माय अलार्म फॉर 6 o'clock, इसका जो ग्रोथ है वो बोलते ना आज तक इंडिया के हिस्ट्री में या वर्ल्ड के हिस्ट्री में हुआ नहीं, इतने सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लोग तुम्हारे सीलिंग फैंस सब मोबाइल्स और जो है ना रिमोट से चलने वाले चीजें आ गए, 6-7 हज़ार में फैन आ जाता है विद रिमोट। यहाँ बैठे बैठे तुम पूरे घर के ट्यूबलाइट्स और फैंस और एवरीथिंग कर्टेन तक आ गए हैं विद रिमोट। लोग इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्दी होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग एक ही जगह बैठते हैं। फैन रिमोट से चालू करो, ट्यूबलाइट रिमोट से चालू करो, अलार्म एलेक्सा से सेट करो, ठीक है ना, तुमको कुछ करना ही नहीं है। एसी में वैसे भी रिमोट है, टीवी में तो काफी साल से रिमोट है। सो टेक्निकली तुम खाना बनाओगे, उसके अलावा तुम बैठे तो तुम्हारा, अच्छा टूथब्रश में भी वो आ गया इलेक्ट्रिक, तुम रखो वो शुरू होगा, यहां तक आ गया। सो पता नहीं अभी टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ जा रहा है कि तुम आगे खाना नहीं खाओ, सिर्फ दो चार कैप्सूल खाओ तो तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है ना। सो कंफर्ट, अच्छा वॉशिंग मशीन में भी आजकल ऐसे आ गए, पहले पुराने वॉशिंग मशीन में सुखाने का जो ड्रायर है ना, दो पार्ट था मशीन में, पहले वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, फिर वहां से निकाल के ड्रायर में तुम डालोगे। आजकल के वॉशिंग मशीन जो है एलजी के, 1400 RPM पे चलते हैं, जब निकलते तो तुमको लगता है कि सूखे हुए जैसे हैं, 1400 RPM, उसको अलग से ड्रायर की जरूरत ही नहीं है। सो बोलते हैं ना कंफर्ट्स का जो रिक्वायर, मुझे लगता है अपना जनरेशन या तुम्हारा जनरेशन ने जो कंफर्ट देखा है वो आज तक के इंडिया वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसने देखा नहीं होगा। हमारे टाइम में हम जाते थे 7 बजे सिलेंडर के लिए खड़े रहने, सिलेंडर मिलता था 12 बजे, फॉर टेलीफोन कनेक्शन वेटिंग वॉज 5 ईयर्स, फॉर टू व्हीलर वेटिंग वॉज 10 ईयर्स, तुम एक्टिवा, अच्छा 12 साल पहले 10 12 2007-8 में एक्टिवा का वेटिंग वॉज 10 months to 1 year। आज के टाइम में तुम जाओ, तुम पेपर वर्क करो, 1 घंटे में एक्टिवा तुम खरीद के ला सकते हो। अभी भी शायद कुछ गाड़ियों का वेटिंग होगा, टेस्ला आ गया इंडिया में तो एक झटके में नहीं, बट वेटिंग स्लाइट हो सकता है। बट ये जनरेशन, हमारे टाइम में हर चीज में कठिनाई था, ठीक है ना, अभी लाइफ तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया है, राइट। सो कंफर्ट्स और लग्जरी का भी जो सेल है वो, सी सिंपल सी बात है, 28 ईयर से कम इंडिया में 50% ऑफ पॉपुलेशन, यदि 130 करोड़ का पॉपुलेशन में 65 करोड़ 28 साल से कम है, जो तुम्हारा जनरेशन है, तो डिमांड किसका बढ़ेगा, मोबाइल्स, ठीक है, जीन्स, लग्जरी। और आजकल पहले क्या था, लड़कियां का शादी जल्दी हो जाता था, लड़कियां वर्किंग एंड अर्निंग ना, तो वो लोग भी लग्जरीज में स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए तुम देखो ये जो गुच्ची के पर्सेस और ह्यूगो बॉस के शर्ट्स, ये सब आजकल फेसबुक पे नॉर्मल दिखता है, ठीक है ना, 7-8 हज़ार में तुम ह्यूगो बॉस के शर्ट्स खरीद सकते हो, और 25% डिस्काउंट के बाद में अरमानी के शर्ट्स और जीन्स 50-50 हज़ार के जो आते हैं आजकल इजीली तुमको मिल जाएगा, तुम ऑर्डर करो 3 से 4 दिन में तुम्हारे घर पे, जो अपन सोचते ना फिल्म स्टार्स पहनते हैं वो तुमको आराम से घर बैठे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है आजकल। सो जो लग्जरीज का ट्रेंड आया है, सी हमारे टाइम में टू व्हीलर वॉज अ लग्जरी, जिसके पास टू व्हीलर है, बाइक एक यामा RX 100 में आता था, हम लोग उसको एक अमीर नजरिए से देखते थे। इफ देर आर 1000 स्टूडेंट्स, दो या तीन के पास बाइक्स थे, हम लोग सब बस वाले या मैक्सिमम लोग साइकिल वाले, BYK कॉलेज के अंदर 95% साइकिल हुआ करते थे, 99% सॉरी, कार एक भी नहीं होता था, ऑल साइकिल्स एंड दो से तीन टू व्हीलर दिखते थे। आज साइकिल लेके जाने को शर्म आएगा BYK कॉलेज के, ये बात तुम भी मानोगे, साइकिल में अंदर जाने को बड़ा अजीब लगे। सो आजकल लग्जरीज में भी, हमारे टाइम में बाइक हुआ CD 100, एक स्प्लेंडर लॉन्च हुआ था जो काफी बिक रहा था, पल्सर था कि नहीं मुझे याद भी नहीं, होगा तो भी एकदम स्टार्टिंग,
लेकिन जो अभी ट्रेंड आया आजकल, तुमको बोला बेटा CD100 नॉर्मल स्प्लेंडर लेके दे, तुम बोलोगे नहीं, यू वांट अ क्या बोलते हैं, पल्सर और कौन सा R15, कौन से टाइप के बाइक्स आए, 350 में बुलेट का दबदबा था, होंडा भी एंटर कर गया उस मार्केट में। 500 है कि नहीं तुम जानते हो, मुझे नहीं पता 500 है कि नहीं इंडिया में। 350 सीसी के जो बाइक्स है, इसमें बुलेट का अकेला दबदबा था, अभी होंडा ने कोई मॉडल लॉन्च किया और बुलेट को कम्पीट करने के लिए। सो लग्जरीज, अच्छा हमारे टाइम में बटन स्टार्ट वाले सिर्फ काइनेटिक होंडा हुआ, एक ही गाड़ी थी टू व्हीलर में काइनेटिक होंडा, बाकी कोई भी गाड़ी बटन स्टार्ट नहीं थी। सोचो हमारा लाइफ, सवेरे जिनके पास स्कूटर है ना, हम बालकनी से देखते थे स्कूटर को टेढ़ा करते थे ना, तुम लोग ने जनरेशन, तुम्हारे जनरेशन ने देखा नहीं है, हम लोग को हंसी भी आती थी, बजाज टू व्हीलर को टू टेढ़ा करता था, और हीरोंडा स्प्लेंडर जब गाड़ी हम मेन स्टैंड में, आज भी मैं भी नहीं लगाता, तुम लोग भी शायद नहीं लगाते होंगे, एक हाथ दो बार बारिश में स्पार्क प्लग में पानी चला गया तो बैठ जाओ एक्सट्रीम बारिश में, ठीक है ना, बटन स्टार्ट तो था नहीं। तो आज के तारीख में प्रॉब्लम कम होता है। तो तुम्हारा जनरेशन ने जो टेक्नोलॉजी देखा है या देख रहे या होने वाला है आगे, तो लग्जरीज और कंफर्ट्स ये तो आगे बढ़ना ही है, ठीक है ना। सो लग्जरी में आई थिंक आई सॉ 2 लाख या कितने कितने किलो की चाय मैंने तुमको बताया था जो दिल्ली एयरपोर्ट में मिलता है, इट कॉस्टेड 2 लाख या 20 लाख रुपीज अ केजी का चाय। पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने ध्यान से देखा तो एक्चुअली वो देर आर पीपल बाइंग इट, आपने देखा खुद? खुद तो नहीं बट एयरपोर्ट में मैं कितने बार गया हूँ, आराम से तेरे को जितना चाहिए पैसों का चाहिए ना वहां मिल जाएगा एयरपोर्ट में। और इफ यू गो टू दुबई DXB, टू दुबई एयरपोर्ट, यू नेम द थिंग यू विल गेट इट देयर। सो कोई आश्चर्य नहीं होता, देर आर पीपल 50 लाख रुपए फॉर वन नाइट होटल इन स्विट्जरलैंड में, तुमको स्पेंड करना है ना, देर आर एवेन्यूज जहां पे देर आर पार्टीज एंड तुम्हारा टुमोरोलैंड, सुना है ना, अरे तुम लोग यंग जनरेशन हो के टुमोरोलैंड जैसे देख, आज देखना गूगल में, इट्स अ म्यूजिक फेस्टिवल। इंडिया में गोवा में कौन सा होता है, सनबर्न, सनबर्न इज 1% ऑफ टुमोरोलैंड, तो सोचो टुमोरोलैंड किस पैमाने पे होता है। आई थिंक बेल्जियम बेस्ड ग्रुप है और उसका नॉन स्टॉप जो है ना सुला फेस्ट जो होता है, सुला फेस्ट इज 0.5% ऑफ जो टुमोरोलैंड है, और आई बीन टू सुला फेस्ट बोथ द डेज। तो आजकल पीपल आर रेडी टू स्पेंड फॉर दैट लग्जरी विच यू वॉन्ट, ठीक है ना। इफ यू गो टू दुबई, तुम्हारे पास 100 करोड़ है, इट विल टेक अ डे टू जस्ट लैविशली स्पेंड दैट अमाउंट, ठीक है ना। वहां पे यू विल फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तुम दुबई मॉल में जाओ, तुमको 3 दिन पहले लगेगा घूमने को, इट्स अ बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। वहां पे आई थिंक 1000 के ऊपर तो ये होंगे दुकानें होंगे। सो बोलने का तात्पर्य है कि लग्जरीज का आज के तारीख में ग्रोइंग ट्रेंड है। एक ट्रेंड प्रॉब्लम इज जो टिकटॉक में बोलते ना, या जो आई डोंट नो फोटोग्राफ लोग डालते हैं विद द प्लेस ड्रेसेस और बाइक्स और कार्स, थोड़ा सा कल्चर टुवर्ड शो ऑफ के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, तो ये एक ट्रेंड होना ही था जो चेंजेस आया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंफर्ट और लग्जरीज आर हियर टू स्टे। नेक्स्ट कार्स भी अभी देखो कैसे बिक रहे हैं, किया टाइप, ठीक है ना, टोयोटा इनोवा, छोटे कार्स तो अभी कम ही दिख रहे हैं, बिकॉज यंग जनरेशन को अभी छोटा कार 800 या ऑल्टो वैगन आर चलाने को शर्म भी आएगा मेरे अंदाज से, दे वॉन्ट बिगर्स और ग्रैंडर कार्स। कितने पॉइंट्स हुए इसमें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक 3 पॉइंट्स हुए, राइट। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको भी लर्न करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी डिवाइस किया, आई थॉट कि हु नोज द स्टोरी इट माइट हेल्प यू। तो क्या नाम रखा, यो टिक्का सिंह, ठीक है। सो द स्टोरी गोज ही इज यो टिक्का सिंह, ठीक है ना, मीका सिंह मुझे याद आया तो मैंने बोला उसका भाई बना देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स, तो ये रैपर है, ऐसे सोचो मैं हूं टिक्का सिंह, इकोनॉमिक की बुक मेरे को मत दिखा, नॉन इकोनॉमिक धंधे मेरे, खूब खाओ अंडे। सो क्या बोलोगे, टिक्का सिंह थोड़ा रैप करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सिली भी होता है, बट वी कैन डिजाइन इकोनॉमिक्स की बुक, वो बोलता है बाजू में करो मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलते ना नॉन इकोनॉमिक धंधे है मेरे, खूब खाओ अंडे। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स, मैं इंडिविजुअल गाता हूँ रैप सॉन्ग पर कलेक्टिव कैसे है तुम्हारे धंधे,
तो पहला क्या बोलता है, इकोनॉमिक की बुक बाजू में करो, वही अपने याद है डॉक्टर का स्टोरी, इकोनॉमिक बुक बाजू में करो मेरे नॉन इकोनॉमिक धंधे, मैं इंडिविजुअल गाता हूँ रैप सॉन्ग पर कलेक्टिव कैसे है तुम्हारे धंधे। अच्छा नेसेसिटीज, मेरी टोपी मेरी नेसेसिटी, रैपर के लिए चाहिए ना टोपी, क्या बोलेंगे इस कैप, और फिर रैपर है तो क्या चाहिए, हिप चेन हॉप लो बोलते ना, क्या बोलते उसको तुम्हारा जो क्या ऐसे क्या करता है, यो हिप हॉप मेरा कंफर्ट और ज्वेलरी मेरा लग्जरी, ठीक है। तो इस हिसाब से यू कैन थिंक ऑफ रिमेम्बरिंग, वैसे इसको स्टोरी की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा 3 पॉइंट्स। ओके सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स था विथ स्टोरी।